गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अवर हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर सेकंड पश्तीने की कमाई का पेज नंबर 11 तक समझा था। अब हम इस वीडियो में पेज नंबर 12 से कहानी स्टार्ट करेंगे। तो आप पेज नंबर 12 निकाल लीजिए और चैप्टर नंबर सेकंड निकाल लीजिए। अब मैं आपको पिछली कहानी थोड़ा सा दोहरा देती हूँ उसका पार्ट, इसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ पेज नंबर 12 से। तो आपने यहाँ तक कहानी पढ़ी थी कि जो राजा और रानी एक लोहार के यहाँ जाते हैं और उसके यहाँ दो दो आने में मजदूरी करने लगते हैं, करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अब हम इस वीडियो में आगे का लेसन का अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, तैयार हो जाइए अपनी बुक निकाल कर। तो स्टार्ट करते हैं। राजा रानी दोनों काम करने के लिए राजी हो गए, यानी दोनों राजा और रानी क्या हो गए, तैयार हो गए काम करने के लिए। लोहार का बतलाया हुआ काम करने लगे, जो जो लोहार ने काम बताया था वो करने लगे। राजा खलात ढोंकने लगा और परंतु उससे काम ठीक तौर पर बनता नहीं था। वो खलात ढोंकने तो लगा पर वो क्या मेहनत का काम था, तो उससे क्या है ठीक तरीके से काम बन नहीं रहा था, बनता नहीं था। बीच बीच में उसका हाथ रुक जाता था। तब लोहार नाराज होकर ठीक काम करने की ताकीद करता, यानी लोहार जब क्या हो जाता, राजा जी का हाथ बीच बीच में रुक जाता। अब उनको थोड़ी प्रैक्टिस थी, जो लोग काम करते रहते हैं तो उनको क्या अभ्यास रहता है या प्रैक्टिस। अब राजा ने कभी कुछ काम किया हो तो उनको अभ्यास रहे। ठीक है, तो लोहार क्या होता, बार बार उनसे नाराज हो जाता और बार बार उनको ताकीद करता है, चेतावनी देता कि भाई काम अच्छे से करिए, है ना, बार बार उनको समझाता। बार बार बतलाने पर राजा जैसे तैसे अपना काम ठीक करने लगा। अब बार बार उन्होंने बताया तो राजा ने क्या किया, अपना काम ठीक तरीके से करने लगा। रानी कुएं से पानी भर भर कर लाने लगी। बार बार रानी क्या करती, कुएं से पानी भर भर के लाने लगी। दो चार घड़ा पानी खींचते ही उसके हाथ में फफोले पड़ गए। अब दो चार घड़े लाई और उनके हाथ में ऐसे छाले पड़ गए, है ना। कभी रानी ने पानी भरा हो तो उनको क्या रहता, अभ्यास रहता, उनने तो कभी काम किया ही नहीं था। किसी तरह बड़ी कठिनाई से उसने पानी का हौज भरा, बड़ी मुश्किल से उसने पानी का जो हौज था वो भर दिया। बीच बीच में लोहार के कहने पर रानी टोकरी में केला भर लाती थी और भट्टी में डाल देती। वो क्या करती, बीच बीच में क्या करती, रानी टोकरी में केला भर लाती थी और वो भट्टी थी उसमें डाल देती थी। केला भरने से रानी के कपड़े और हाथ काले हो गए थे, है ना, केला तो काला होता है, तो उनके हाथ और कपड़े दोनों काले हो गए। ताव आ जाने पर लोहार ने पात भट्टी में से निकालकर पहिए पर जमाई। ताव आ जाने पर उसने क्या किया, पात को लोहार ने जब गर्म हो गई भट्टी, तो पात को या वो चका था जो, उसको भट्टी से निकाल कर कहा पहिए में चाहे। पात जो मैंने बताया था आपको कल कि उस क्या होता, पात मतलब जो लोहा रहता है उसको पिघलाते हैं, उसको कहते हैं। तो उनने क्या करी, पहिए पर जमाई और एक घन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में लेकर कहा, देखो बारी बारी से घन इस पर मानना। उनने घन यानी वो तोड़ा लिया और क्या कहा, घन रहता है लोहे का, उसको बोला कि मैं मारूंगा और फिर तुम मारना, हाथ जरा भी इधर उधर ना होने पाए, यानी हाथ जिस पर मारना है वो पात पर उसी पर पड़े, है ना, यहाँ वहाँ ना हो। जोर जोर से घन मारने लगे दोनों राजा, जोर जोर से घन मारने लगे लेकिन उनका निशाना ठीक नहीं बैठता। अब जो लोहार थे उनको तो प्रैक्टिस थी, अभ्यास था, अब राजा को थोड़ी अभ्यास था, तो उनका निशाना बार बार चूक जाता था। कभी घन हाल में गिरता तो कभी पहिए पर, कभी हाल पर गिर जाता और कभी पहिए पर। मजदूर का यह हाल देखकर लोहारन भीतर से बड़बड़ाती हुई आई और लोहार से कहने लगी, जब राजा का ऐसा हाल देखा तो वो तो मजदूर के भेजने गए थे, तो लोहारन क्या बड़बड़ाई यानी कुछ कुछ बोलने लगी,
लोहार से क्या कहने लगी, तुमने आज कहाँ से बेसहूर मजदूर लगाए हैं, यानी कि जिनको की तरीका नहीं है काम करने के लिए, कैसे मजदूर लगाए हैं, इनसे काम नहीं होगा, इन्हें अलग करके दूसरे मजदूर लगाओ। उनने क्या बोली, इनको अलग करो दूसरे मजदूर लगाओ, ये सस्ते मजदूर तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे। बोली ये तो यानी कम पैसे में काम कर रहा है, सस्ता मतलब कम पैसे में वो काम कर रहे, तो तुम्हारा काम बिगाड़ देंगे। राजा रानी दोनों लोहार और लोहारनी की डांट फटकार सहते हुए अपना अपना काम मन लगा कर कर रहे थे। उनको डांट भी पड़ रही थी तो भी वो अपना काम मन लगा के कर रहे थे दोनों राजा रानी। घन चलाते चलाते राजा का शरीर पसीने से तर हो गया और जोर जोर से सांसें चलने लगी, यानी कि उनका घन चलाते चलाते, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लग रही थी और राजा ने मेहनत के काम कभी किए नहीं थे, तो उनके शरीर से पसीना निकल रहा था और जोर जोर से सांस चलने लगी। ठीक है, अब रानी भी पानी भरते भरते और क्यूला चौंकते चौंकते थक गई। वो पानी भर भर के ला रही थी और क्यूला डाल रही थी, तो वो भी थक गई। उनके कोमल अंग से पसीने की धार बह रही थी। उनका जो अंग था वो कोमल यानी नाजुक सा था, कमजोर था, तो उनके पसीने की धार बह रही थी। बड़ी मुश्किल से एक पहिया पर हाल चढ़ पाई, यानी बहुत मुश्किल से एक पही पर हाल चढ़ी। और लोहार ने तब उनसे कहा, देखो भाई ये काम बहुत मेहनत का है, तुम लोगों से ठीक ठाक नहीं बनेगा। उनने क्या कहा, ये बहुत मेहनत का काम है, तुम लोग अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे। अभी तो तुमने 2 घंटे काम किया, उसकी मजदूरी लो और अपने घर जाओ। उन्होंने कहा कि तुमने काम किया है 2 घंटे और उसकी मजदूरी लो और कहाँ जाओ, अपने घर जाओ। राजा ने कहा, जैसी मर्जी, जितनी मजदूरी आप देना चाहे दे दें, हम लोग दूसरी जगह काम खोज लेंगे। राजा ने कहा, यानी जैसी मर्जी, यानी जैसी आपकी इच्छा, और जितनी आप मजदूरी के यानी पैसे देना चाहें, मजदूरी देना चाहें, हम लोग अब दूसरी जगह काम खोज लेंगे। तो आज के वीडियो में बच्चों बस इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।